और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया फिर एटमी फेयर में। इस बार खतरा रूस के न्यूक्लियर अटैक का नहीं बल्कि परमाणु संयंत्र में धमाके का है। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र के करीब जोरदार युद्ध ने यूएन से लेकर पूरी दुनिया तक को दहशत से भर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान ही ज़ापोरिज़्या प्लांट के पास भी जबरदस्त हमले हुए हैं। गोलाबारी में संयंत्र का एक हिस्सा तबाह हुआ है। ज़ापोरिज़्या यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है और यहां से रेडिएशन का मतलब है पूरे यूरोप का न्यूक्लियर इमरजेंसी का सामना करना। रशियन मिसाइलों की तबाही से भी बड़ी बर्बादी, रॉकेट लॉन्चर से निकलने वाली आग से भी ज्यादा खतरनाक, फाइटर विमानों की बमबारी से भी ज्यादा घातक। यूक्रेन में तबाही की जिस आशंका ने पूरी दुनिया को डरा दिया है, अगर वो सच साबित हुई तो यूक्रेन क्या पूरा यूरोप एक बहुत भयंकर त्रासदी का सामना करेगा। रूस और यूक्रेन की जंग का मौजूदा सेंटर ज़ापोरिज़्या है और वहां पर होने वाले एक धमाके से दुनिया की धड़कनें तेज हो रही। खतरा नंबर एक, ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हो सकता है। खतरा नंबर दो, न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट से रेडिएशन की सुनामी आ सकती है। खतरा नंबर तीन, प्लांट से अदृश्य रेडियोधर्मी बादल निकल सकते हैं। खतरा नंबर चार, रेडिएशन का असर कई वर्षों तक रह सकता है। खतरा नंबर पांच, 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन थम सकता है। खतरा इस बार न्यूक्लियर बम के धमाके का नहीं है, खतरा रूस के परमाणु हथियारों का भी नहीं है। मौजूदा जोखिम एक ऐसे रेडिएशन का है जिसे देखा भी नहीं जा सकेगा। खतरा एक ऐसी अदृश्य शक्ति का है जो इंसानों को बरसों तक बीमार करेगी, जान लेगी। इन खतरों के बारे में जानकर आप समझ गए होंगे कि ज़ापोरिज़्या को युद्ध का डेंजर जोन क्यों कहा जा रहा है और न्यूक्लियर इमरजेंसी की चर्चा क्यों हो रही है। ज़ापोरिज़्या प्लांट पर रूस के सैनिकों का कब्जा है, रूस इस प्लांट को छोड़ना नहीं चाहता और यूक्रेन इसे गंवाने को तैयार नहीं है। यह प्लांट युद्ध का सेंटर क्यों बन गया है, इसे समझने से पहले इसकी लोकेशन आपको दिखाते हैं। यह प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 550 किलोमीटर दूर है, जबकि चेर्नोबिल से करीब 525 किलोमीटर दक्षिण में है। ज़ापोरिज़्या से नीचे क्रीमिया है, यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर। क्रीमिया पर 2014 से रूस का कब्जा है। क्रीमिया की वजह से रूस इस प्लांट पर पूरी तरह से कब्जा जमाना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। इस संयंत्र में यूक्रेन के कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल रूस के सैनिकों के पास है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना इस प्लांट से पैदा होने वाली बिजली को क्रीमियन बिजली ग्रिड से जोड़कर अपने इलाके में सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन को जैसे ही ये जानकारी मिली, यूक्रेन के सैनिकों ने प्लांट को कब्जे से छुड़ाने के लिए हमला कर दिया। न्यूक्लियर प्लांट में 6 सोवियत डिजाइन वाटर कूल्ड रिएक्टर हैं। हर रिएक्टर से 950 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यहां से यूरोप के 40 लाख घरों में बिजली की सप्लाई की जाती है। ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूरोप में सबसे बड़ा और दुनिया में 10 सबसे बड़े संयंत्रों में से एक है। जाहिर है यूक्रेन इसे आसानी से रूस के हवाले नहीं करेगा। जैसे ही यूक्रेन को रूस की क्रीमिया में बिजली पहुंचाने की भनक लगी, यहां एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्लांट के पास कई धमाके हुए। कहा जा रहा है कि संयंत्र का एक हिस्सा भी तबाह हो गया है। रूस और यूक्रेन दोनों ने ही इन हमलों के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। मॉस्को की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। यूक्रेन ने भी दुनिया को सावधान किया है। रूस ने कहा है कि ज़ापोरिज़्या पावर प्लांट पर यूक्रेन का अटैक जारी है, जबकि यूक्रेन कह रहा है कि रूस की तरफ से प्लांट के रिएक्टर पर हमला किया गया। रूस ने कहा कि यूक्रेन की वजह से न्यूक्लियर तबाही आ सकती है, जबकि यूक्रेन कह रहा है कि रूस ने प्लांट में सैनिक और हथियारों का जखीरा रखा है।
रूस ने यूएनएससी से रूस के राजदूत ने यूक्रेन की शिकायत करते हुए कहा कि यूक्रेन की वजह से परमाणु आपदा आ सकती है। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अगर इस प्लांट पर हमले जारी रहते हैं तो वो चेर्नोबिल से बड़ी परमाणु आपदा में तब्दील हो सकता है। दोनों देश बड़ी तबाही की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि युद्ध थमेगा कैसे, न्यूक्लियर प्लांट पर धमाकों का दौर रुकेगा कैसे। यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने अपील की है, सभी पक्षों से समझदारी से काम लेने की अपील की गई है। अमेरिका ने इस इलाके से रूसी सैनिकों की वापसी की मांग का समर्थन किया। यूएनएससी में भारत ने प्लांट की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। रूस प्लांट छोड़ने को राजी नहीं है और यूक्रेन रूस से युद्ध की तैयारी में है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक संयंत्र को क्रीमियन बिजली ग्रिड से जोड़ने से रिएक्टरों को सप्लाई होने वाली ऑफसाइट बिजली रुक सकती है। ऑफसाइट बिजली का इस्तेमाल रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए काफी जरूरी होता है। अगर इन रिएक्टरों की कूलिंग करने वाले पावर सोर्स को बंद किया गया तो संयंत्र में धमाका हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक विस्फोट के तुरंत बाद अदृश्य रेडियोधर्मी बादल प्लांट से निकलने लगेंगे। रेडिएशन का असर कई वर्षों तक महसूस किया जा सकता है। युद्ध के 173 दिन बीत जाने के बाद भी यूक्रेन का हौसला पस्त नहीं हुआ है, यह खुलासा एक सर्वे में हुआ है। यूक्रेन के 98% लोगों ने रूस के साथ युद्ध में जीत का भरोसा जताया है। 91% यूक्रेनियन अपने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के काम से खुश है। 72% यूक्रेनियन नेटो सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं। यूक्रेन के पास जीत का हौसला है तो दूसरी तरफ एक बार फिर रूस में पुतिन के रुतबे में कमी की खबर आई है। माना जा रहा है कि युद्ध में बड़ी कामयाबी नहीं मिलने की वजह से रूस की राजनीति में पुतिन की ताकत कम हो रही है। अमेरिका में मौजूद एक पूर्व केजीबी एजेंट के मुताबिक पुतिन की सत्ता कभी भी छिन सकती है। पूर्व केजीबी एजेंट ने कहा कि यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत के साथ ही रूस में पुतिन राज के खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो गया था। पुतिन की सत्ता को इसलिए भी गिने चुने दिनों का माना जा रहा है क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना अब भी पलटवार की तैयारी कर रही है और पश्चिमी देशों से हथियार और फंड की मांग कर रही है। यूक्रेन के हौसले के लिए एक बार फिर रूस ने पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स के एक डिवीजन की तैनाती यूरोप में कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।